हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं मार्केट के दो दिग्गज स्टॉक्स के बारे में। दोनों ही स्टॉक्स को बाजार का हाथी कहा जाता है। उम्मीद करती हूं आप में से कुछ लोग समझ भी गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे हैं तो मैं क्लियर कर दूं। इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। दोनों ही जो अपने निवेशक होते हैं उनके चहेते स्टॉक्स होते हैं, उनकी लिस्ट में भर भर के ये स्टॉक्स पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल 100% ब्लू चिप स्टॉक्स हैं कि अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग की है तो आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। तो दोस्तों, अब इस स्टॉक्स में क्या राय रहने वाली है, अगर आप इन दोनों ही स्टॉक्स में पहले से होल्ड है तो आपको क्या करना है, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में। अगर मैं इस समय बात करूं HDFC बैंक के स्टॉक की, तो वो इस समय 1757 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस साल के हाई की बात करें तो 1794 रुपए का हाई इस स्टॉक ने लगाया हुआ है। तो दोस्तों, अभी क्या करना है आपको मैं बताऊं। BNP परिभाष नाम के जो इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग का 0.6% स्टेक बेच दिया है। तो जो स्टेक बेचा है वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा लार्ज है। अगर मैं बात करूं उसकी क्वांटिटी की एग्जैक्ट लेवल पर, तो 43,75,470 शेयर्स उन्होंने बेच दिए हैं। तो इसका मतलब तो स्टॉक में एकदम से डाउनफॉल लगना चाहिए, स्टॉक को नीचे की तरफ एकदम भागना चाहिए। तो क्या स्टॉक गिर जाएगा अगर आप पहले से इस स्टॉक में होल्ड है, तो क्या आप बेच कर निकल जाए? तो मेरी राय है जी नहीं दोस्तों, क्योंकि जितना स्टॉक उन्होंने बेचा है उतना साथ के साथ दो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस जो बेची हुई क्वांटिटी है ऑलमोस्ट हिस्सा खरीद लिया है। अगर मैं बात करूं आपके साथ ग्लोबल मार्केट के सिटी ग्रुप की, तो उन्होंने इसमें से 280 शेयर्स खरीद लिए हैं। और दोस्तों, बात करूं अगर आपके साथ मॉर्गन स्टेनली, इन्होंने भी इसमें से 1,17,50,190 शेयर्स को खरीद लिया है। तो अगर कंबाइन करके देखा जाए तो ऑलमोस्ट क्वांटिटी खरीदी जा चुकी है। तो इसका मतलब स्टॉक का जो प्राइस है उसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए और बहुत ज़्यादा एकदम ऊपर भी नहीं जाएगा। अभी ये स्टॉक आपको सस्टेन करते हुए नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करें दोस्तों, मैं आपको बताऊं, भारत की दिग्गज बैंकों में से एक है ये HDFC बैंक। तो इसीलिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप पहले से होल्ड हैं तो अभी आपको बेचने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर मैं एग्जैक्ट टारगेट्स की आपके साथ बात करूं, तो इस स्टॉक में मेरे टारगेट्स 1900 रुपए के रहने वाले हैं, जो आपको 6 महीने में देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट है अनिश्चितताओं का मार्केट, मैं हमेशा ही इसको कहती हूँ। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कहा नहीं जा सकता, लेकिन आइडिया यही लगाया जा रहा है टेक्निकल बेसिस के अनुरूप कि यहाँ पर आपको जो टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं 6 महीनों में, 1900 रुपए तक के हाई इस स्टॉक में लग सकते हैं। और दोस्तों, आपको अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बिल्ड करनी है कि आपको स्टैगर्ड वे में खरीदना है, यानी कि थोड़ा गिरता है तो और पैसा लगा सकते हैं, थोड़ा गिरता है तो और खरीद के रख सकते हैं, लेकिन खरीद कर आपको आराम से बैठ जाना चाहिए। मैंने इस स्टॉक में जो अपनी बाइंग करके रखी है वो 1380 रुपए के करीब से है, और अभी मैं इसमें कंटिन्यू होल्ड ही रहने वाली हूँ, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ HDFC बैंक के बारे में आपको क्या करना है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बात कर लेते हैं दूसरे दिग्गज बैंक बाजार के दूसरे हाथी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में आपको क्या करने की राय रहेगी, अगर अभी बात करें इस स्टॉक के करंट प्राइस की, तो 2773 रुपए का लेवल इस समय टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। 2773 रुपए पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक अपने उस लो की तरफ बढ़ रहा है, जो जून में जिस समय पर इलेक्शंस हुए थे उस समय जब मार्केट क्रैश हुआ था, उस दौरान इसने वो लेवल टच कर दिया था। तो वो लेवल था 2717 रुपए का, उसी तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके पी रेशो की बात करें तो 27 के पी पर ये स्टॉक इस समय आ चुका है। दोस्तों, आपके साथ बात करूं HDFC के बैंक के पी के बारे में, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता हुआ इस समय नज़र आ रहा है। वो 18 के पी पर इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 15 से 18 का पी बहुत बेस्ट रेशो है अगर आपको स्टॉक मिल जाए बैंकिंग का।
और अगर मैं बात करूं रिलायंस के पी के रेशो के बारे में तो 27 के पी पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें पिछले 6 महीनों के बारे में तो स्टॉक 5-5.5% की गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है, और अगर बात करें पिछले एक हफ्ते की तो 7% पिछले एक हफ्ते में स्टॉक चटक चुका है। तो अभी कंटिन्यूअस मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा गिरावट आनी बाकी है इस स्टॉक में, उसके बाद आप वहाँ से अपनी बाइंग को स्टार्ट करके चल सकते हैं। 2750 रुपये पर स्टॉक आता है तो आप वहीं से अपनी बाइंग को स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद स्टैगर्ड वे में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ पैसा लगाते जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर चार्ट, मैंने डेली चार्ट इसका आपके सामने लगा दिया है और आप देख सकते हो स्टॉक ने दो जगह बड़े बड़े गैप छोड़े हैं। बात कर रहे हैं टारगेट्स के बारे में कि आपके टारगेट्स क्या रहने वाले होंगे, तो दोस्तों बात करें पहला गैप जो इस स्टॉक ने छोड़ रखा है, आप देख सकते हो 2906 रुपये से लेकर के 2921 रुपये तक के बीच में रहने वाला है। तो अगर आप जल्दी शॉर्ट टर्म में पैसा निकालना चाहते हैं तो आप 2921 रुपए तक के टारगेट भी अपने रखकर चल सकते हैं। और जो दूसरा गैप है स्टॉक ने 3080 रुपए के आसपास से 3115 रुपए तक का छोड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है ये वाला जो स्टॉक ने छोड़ दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने कौन से टारगेट्स लेकर के चलने हैं और कौन से लेवल पर आपको बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है दोनों ही स्टॉक में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में स्टक हो गए हैं और उस पर रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बस अपने स्टॉक का नाम, हमारी टीम जैसे ही आपके स्टॉक को पिक कर लेगी लेवल और टारगेट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में एक और वैल्यूएबल स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।